तो आप ये देख रहे हैं कंटेनर है और इसमें जो मेरे पौधों की जो सूखी पत्तियां हैं वो मैंने इसमें कर रखी हैं। ये मैंने खाद बनाने के लिए इसमें रखा हुआ था, लेकिन उसके लिए मैं अब थोड़ा बड़ा डिब्बा लेने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़ा छोटा पड़ेगा खाद बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पेंट कर देती हूँ ताकि इसको मैं किसी पौधे में पौधा लगाने के लिए काम में ला सकती हूँ। तो ये कम से कम 6 इंच का है, तो ये पौधों के लिए मुझे परफेक्ट लग रहा है। खाद बनाने के लिए मुझे थोड़ा छोटा लगा, तो अब मैं इसमें पेंट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये पेंट करके कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पेंट कर दिया है और अब ये सूखने के लिए मैं रख देती हूँ इसे। और ये वही पेंट है जिससे मैंने अपनी जो जो रूफ है उसका सरफेस किया था। तो और ये कंटेनर दोस्तों, एक आइसक्रीम का पॉट था, ये उससे ये उसका कंटेनर है और अब मैंने इसको पेंट कर दिया है। तो अब इसमें मैं कोई भी पौधा भी लगा सकती हूँ दोस्तों, और किसी भी यूज़ में ला सकती हूँ इसे मैं। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो जैसा आप सामने देख रहे हैं ये एक पेंट की बाल्टी है और ये काफ़ी पुरानी है, इसे 10 साल करीबन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं किसी यूज़ में ले आऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें जैसे कि मेरी पत्तियों का जो जो भी पौधों की पत्तियों का जो पत्तियां जो निकलती हैं तो उनको मैं इस डिब्बे में भर के रख दिया करूं, ताकि उससे क्या होगा कि हम 2-3 महीने बाद उससे खाद भी बन सकती है पत्तियों की। तो ये देखने में मुझे बहुत पुरानी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों, मैं इसमें पेंट करती हूँ इसमें और फिर आपको दिखाती हूँ पेंट करके कि ये कैसी लग रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी पेंट कर लिया है इसको और अभी मैं पूरा पेंट करने वाली हूँ, और जब ये पूरी पेंट हो जाएगी तब मैं इसे दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। दोस्तों, ये पूरा पेंट हो चुका है और ये देखिए, और काफ़ी सही लग रहा है पूरा पेंट होके। अब ये सूख जाएगा तब मैं इसको या तो खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि जो पत्तियों की जो खाद होती है, या फिर जो 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 भी गोबर की जो खाद होती है उसे बनाने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और गोबर की खाद का जो पानी होता है उसमें, वो भी हम पौधे में लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकती हूँ किसी भी पर्पज़ से। ओके दोस्तों, तो ये आपको कैसा लगा, ये मेरा आइडिया, नई क्रिएटिविटी, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप भी क्या इस तरीके से खाद बनाते हैं अपने घरों पे, ये भी मुझे बताइएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो डिब्बा है जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये मैंने पेंट किया था, तो ये भी सूख चुका है। और अब मैं इसको जो है, इसमें तो अभी पत्तियां हैं, लेकिन मैं इन पत्तियों को किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें मैं पौधे लगाने की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ क्या कौन सा पौधा लगाऊंगी। तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है पौधे के लिए। नीचे इसमें मैं छेद कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि हवा पास हो जाए इसमें से। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा इस तरीके से भी मैंने कर दिया है इसको शेडेड। तो ये है, और जो मैंने आपको दिखाया था ये भी जो डिब्बा है जिसको मैंने कलर किया था वो भी तैयार है। तो इन लीव्स को मैं देखती हूँ इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। और देखिए ये फूल भी गुलाब का थोड़ा सा और ये देखिए खिल गया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी धीरे धीरे और भी खिलेगा ये। ओके दोस्तों, तो इसमें मैंने वो पत्तियाँ जो दूसरे पॉट की थी वो इसमें ट्रांसफ़र कर ली हैं, और मैं अब इन पत्तियों को उसी में डाल रही हूँ। और ये मैं इकट्ठी कर लेती हूँ इन पत्तियों को, ताकि इसकी हम खाद भी बना सकते हैं बाद में। तो इसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, कि हम खाद कैसे बनाते हैं, जो ये कंपोस्ट जो खाद होती है वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ पत्तियां हैं, सभी इकट्ठी हैं यहाँ पे। तो ओके दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पॉट में ये स्पाइडर प्लांट लगवा दिया है और इसको मैं ले आई हूँ। और अब देखिए, ये वही पॉट है जो मैंने तैयार किया था और इसमें स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। तो ये एक और पौधा मेरे छोटे से गार्डन में बढ़ चुका है और इसकी भी देखभाल करनी है। वैसे ये इंडोर प्लांट कहा जाता है, लेकिन इसको मैं, मेरे पास अंदर मतलब इंडोर के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं बाहर ही रखूंगी। लेकिन यहाँ पे जाली तो है ही, तो बंदरों का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा धूप से भी हमें बचाना है। तो यहाँ पे जो है लिमिटेड ही धूप आती है, मतलब क्योंकि हमारा जो घर है वो ईस्ट का की साइड इसका फेस है, तो धूप तो आती है, लेकिन क्योंकि टीन शेड है ऊपर, तो उस वजह से ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। और इसको मुझे पानी भी इसको बहुत कम देना होता है, ज़्यादा नहीं देना होता है पानी। तो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ही पौधे मरते हैं, तो अब इसको भी देखभाल करनी है। इस पौधे की भी बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, देखिए। ओके दोस्तों।